एक तरफ देश कोरोना महामारी के संकट से जूझ रहा है, वहीं होशंगाबाद में किसानों की फसलों में आग लगने से किसान को भारी नुकसान हुआ है। सिवनी मालवा तहसील में करीब आधा दर्जन गांवों के खेत में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से करीब 100 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। प्रदेश को इन दिनों दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां लगातार कोरोना मरीज के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, वहीं अब किसानों की बर्बाद होती फसलों ने सरकार के ऊपर नया संकट खड़ा कर दिया है। सिवनी मालवा तहसील के करीब आधा दर्जन गांव के खेतों में भीषण आग लग गई। आग के चलते खेतों में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि गेहूं की करीब 100 एकड़ से अधिक फसल बर्बाद हो गई है। सिवनी मालवा के अमलाड़ा, डोंगर, बोरट, अयप्पा, मागिया, रेहड़ा गांव के बीच गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने की कोशिश की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।